इस वीडियो में बात करूंगा, नॉर्मली आप इंडिया की भी बात कर सकते हैं, फ्रॉम बीएड टू गवर्नमेंट जॉब। यहां पर ये भी लिखा जा सकता था कि फ्रॉम ग्रेजुएशन टू गवर्नमेंट जॉब, यहां ये भी लिखा जा सकता है फ्रॉम प्लस टू, फ्रॉम टेंथ टू गवर्नमेंट जॉब। अगर वैसे तो कैरियर काउंसलिंग शुरू हो जाती है नाइन्थ क्लास में, बेस्ट है जो एरिक्सन की थ्योरी के मुताबिक जो एडोलेसेंट पीरियड है आइडेंटिटी क्राइसिस का है, उसमें एक क्राइसिस कैरियर क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है कि बच्चे ने डिसाइड करना होता है कि मैंने क्या बनना है। यहाँ पर बीएड करने के बाद भी शायद हम नहीं डिसाइड कर पाए कि मैंने टीचर ही बनना है, क्योंकि 70% लोग तो ये समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि आगे हमने जॉब लेने के लिए क्या करना है। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, प्राइवेट में तो जाना है ना, प्राइवेट में क्या कंडीशंस है, प्राइवेट में अच्छी सैलरी कैसे मिल सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको फोकस करना है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो बीएड के कैंडिडेट जो एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं, दैट इज व्हाई मैंने बीएड यहाँ लिखा है। और बीएड से आपने गवर्नमेंट जॉब तक का जिन्होंने सफर करना है, ये उनके लिए सिर्फ वीडियो है, बाकियों के लिए नहीं है। सो कृपा करके इसको किसी के साथ शेयर मत करें क्योंकि आप समझो, दूसरों को बताने की बजाय ना आप समझो। हाँ, बहुत ज्यादा अजीज है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज पहले खुद समझो कि करना क्या है। अब बीएड का सफर है, उसमें टेंथ से ये सफर शुरू होता है। दूसरी बात है कि आप किस गवर्नमेंट में, आपका कोई तो एम होगा ना, आपने जाना स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में, फॉर एग्जांपल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या सेंटर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पंजाब स्टेट में 55% है। कांग्रेस ने पिछले 2022 में 45 कर दी थी, लेकिन अब जो करंट चल रही है वह 55 है जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी आ जाते हैं। यहां पर ऐड देख लेते हैं उसमें जो लिखा होगा। तो दूसरा है कि ग्रेजुएशन में, अब देखिए इंपोस्टेंस किसकी बन रही है। अगर आपने जाना है, यहां तो मैंने लिख दिया बीएड और से जो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन यहां पर हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। कारण यह है कि ये डन हो चुका है, ये ले चुके हैं। अगर आपके 55 से कम हैं तो नेचुरली आपको जाके इंप्रूवमेंट करनी होगी, कोई और चारा नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ यहां मैं लिखता हूं 55 एक बच्चे के हैं और दूसरे के 80 हैं, तो इनमें से कौन बेटर है, तो ये साबित हो जाएगा कोई भी बेटर नहीं है। बेटर का पता ही, उसका क्राइटेरिया ही कोई डिफरेंट होगा। ग्रेजुएशन में 55 जनरल के हो गए हैं, साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश है, इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई हो और 3 साल पूरे किए हो, जनरल की नहीं चलेगी, आपको एडिशन देके पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एसएसटी के हो तो आपने 2 सब्जेक्ट, जो कि उसमें एक स्कूल सब्जेक्ट जरूर हो, नई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट पंजाब के मुताबिक शायद दोनों स्कूल सब्जेक्ट हो जाए, उसकी मेरे पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर वो हो गया तो आपको 2 स्कूल सब्जेक्ट चाहिए और नैरो डाउन हो गए, उसके लिए एडिशनल पेपर देने के, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से चाहिए, है ना। तो ये कंफर्म नहीं है अभी, एक तो पक्का चाहिए, ये पक्की बात है, उसमें से हिस्ट्री हो तो बेटर है ना, या ज्योग्राफी हो तो बेटर हो, तो 3 साल चाहिए। तो ऐसे ही इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सीबीएसई के साथ रिलेटेड एफिलेटेड स्कूल्स हैं, उनमें आपने जॉब करनी है तो आपको क्या चाहिए, वो नॉर्मली 50% चलता है। रिजर्व कैटेगरी का 5% कम हो जाता है, लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट और 3 साल के ये चाहिए, ये कंडीशन है, क्योंकि एनसीटी नॉर्म्स बनाती है। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू वहां है अगर आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो। ये बात किसकी कर रहा हूं मैं, ये टीजीटी की बात कर रहा हूं, जिसको आप मास्टर केडर्स एमसी लिख दिया, मास्टर केडर्स के लिए ये बात हुई है ग्रेजुएशन की, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी और उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, जैसे इलेक्टिव इंग्लिश है, साथ में एमए इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश के पिछले साल रिलैक्सेशन मिली है, ये कह नहीं सकते कि इस बार भी रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आपके पास एमए इंग्लिश है तो इलेक्टिव नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी कुछ थी। लेकिन अगर आप टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर फिर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री पढ़ी हो बीएड में और ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री हो, तब आप एलिजिबल हो पीजीटी के लिए। अगर आपकी एसएसटी है, आपने एसएसटी बीएड में पढ़ी है,
तो आप एलिजिबल नहीं हो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के लिए। उसके लिए बीएड में आपको एडिशन देना पड़ेगा, जहां बीएड में करना पड़ेगा हिस्ट्री। ऐसे ही साइंस में है, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री या फिजिक्स की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्लस पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, और अगर लाइफ साइंस है तो बायो साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन और लाइफ साइंस का बीएड में पेडागोजी का आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में तो नेचुरली वो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। तो ये बात है यहाँ पर। अब है कि ये अगर पहले देखना है तो ये देख सकते हैं कि बीएड ईटीईटी टीईटी में आपके मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। मेरे मुताबिक दो तरह की कैटेगरी है। हमने जी पास कर लिया, कैसे 90 मार्क्स पे पास कर लिया, शायद ये सफिशिएंट ना हो। टीईटी सेंटर का भी, स्टेट का भी, जहां आपने जॉब करनी है उसके मुताबिक। अब अगर जो पास करके बैठे हैं शायद वो निराश ज़्यादा हों जो नहीं पास करके बैठे, क्योंकि आगे चल के जब मेरिट बनाएंगे तो शायद ऐसी मेरिट बन जाए, है ना। अगर सिलेक्शन टेस्ट प्लस टीईटी किया तो 90 मार्क्स कुछ भी नहीं है। हाँ, नेचुरली आपको 120-30 ज़्यादा मार्क्स लेने चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा है। यहाँ पर NEP ऐड कर दूँ मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये कहा है कि डेमोस्ट्रेशन जो कैंडिडेट है जॉब देने के लिए उनके लिए जाएं, और टेट के मार्क्स प्लस सिलेक्शन टेस्ट के मार्क्स हों। सिलेक्शन टेस्ट जो पंजाब गवर्नमेंट लेती है 150 मार्क्स के होते हैं, यहाँ 150 लिखने लगा हूँ। 50% क्वालिफाइंग है, मीन आपको 75, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 75 मार्क्स चाहिए, 50% 75 इनमें से क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट के लिए नहीं। अगर इससे कम आते हो तो आप वैसे ही बाहर हो। दूसरा रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है, जो 8 कम हो जाते हैं, 67 मार्क्स चाहिए, है ना। तो ये देख लेना चाहिए कि जो ये जो एड्स आती हैं उसमें होता क्या है। ये पंजाब की एड है जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बीएड के लिए। एक तो वध उम्मीदवारों का पंजाब राज, अच्छा ये लिखा हुआ है कि अगर पीएस टेट और लिखती टेस्ट, इसमें जो है ये देखिए ध्यान से बड़ा करके पढ़ लीजिए, ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें टीईटी के स्कोर, ये टेस्ट टू, पीएस टेट टू, इसके स्कोर भी शामिल होंगे, और लिखती टेस्ट जो सिलेक्शन टेस्ट है उसके जोड़ बराबर भी शामिल होंगे मेरिट बनाने के लिए। अगर दोनों के मिला के बच्चों के 100, मान लीजिए 190 दो विद्यार्थियों के बन गए, है ना, तो क्या होगा, तो होगा कि जिसकी एज ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, इट मीन्स अगर ये 92 के पैदा हुए हैं, ये 93 के पैदा हुए हैं, तो एक ये उम्र, तो उम्र आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई एज आपके लिए इरेलीवेंट है, उसकी चिंता नहीं करनी, ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तीसरा, अगर वो भी मैच कर गया, मेरिट लिस्ट पहला रखा जाएगा, जेकर एक जेकर ये मान लीजिए ये भी 92 में, ये भी 12 जनवरी 92 है, ये भी 12 जनवरी 92 है, असल में ऐसा होता ही नहीं है, एज ही डिसाइड कर देती है। अगर दोनों की उम्र एक बराबर है तो नेक्स्ट इनकी टाई कैसे तोड़ी जाएगी, क्योंकि टाई तो बड़ी लंबी लंबी होती है। ये उम्मीदवार ग्रेजुएशन, उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस किए जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं भी आपको दिखा है कि बीएड के मार्क्स कैलकुलेट होंगे? ये वीडियो बनाई क्यों गई है, सिर्फ यही बताने के लिए कि कहीं भी ये देखिए हर चीज की वेटेज है। 10th में पंजाबी पास चाहिए, वेटेज है। ग्रेजुएशन में 55 कम से कम चाहिए, और इलेक्टिव चाहिए, और ये चाहिए, और अगर टाई होता है तो ग्रेजुएशन की वैल्यू पड़ सकती है। पर फिर मैं ये भी साबित करने लगा हूं कि इसकी भी मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी। कारण ये है कि ये मान लीजिए यहां पर मेरिट लिस्ट पड़ी होगी मेरे पास कोई ना कोई, ये देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। अब ये देखिए SST की है, 145 145 दोनों क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन इनको ऊपर क्यों रखा गया, इनका रैंक 1 है, इनका रैंक 2 है। कारण ये है कि ये मॉडल जो है 1990 का है, और ये मॉडल जो है 1991 का है, एक साल पुराना मॉडल होने के कारण, एज ज़्यादा होने के कारण इनको फर्स्ट रैंक दे दिया गया।
तो यहां पर कोई भी केस, और भी केस ऐसा दिखा देता हूं, कोई भी केस आपको ऐसा मिलेगा, रियलिस्टिक सोच के देखिए, जरा रियलिस्टिक सोच के देखिए, अगर कोई केस ऐसा मिलता नहीं है, क्या बात कर रहे हैं कि क्या कभी जो है ग्रेजुएशन की भी वैल्यू उस वहां पर पड़ती है, ये बेस्ट है। ये मैथ की पिछली जो मेरिट लिस्ट है 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118, तो ये देखिए 9 जने इकट्ठे 118 हैं। हालांकि ये किसी एग्जैक्ट वो वाली मेरिट लिस्ट नहीं है, हो सकता है कि 20-25 जने 118 में। आपको एक सच बताता हूँ कि जो यहाँ पर नीट का टेस्ट होता है, नीट का है ना, नीट के टेस्ट वालों से ये बात हुई मेरिट लिस्ट, वो मान लीजिए 2 जने टाई कर गए हैं, मान लीजिए किसी के 120 और इसके 120, और 120 वाले सैकड़े लोग होंगे, तो उनकी टाई कैसे टूटती है? वो मार्क्स डिजिट्स में, डेसिमल में भी हैं, वो क्या है 1 3 5 7 3। देखिए यहां तक कहते वैल्यू होती है, उसके बाद वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 डिजिट तक उनको जाना पड़ता है टाई को तोड़ने के लिए, कौन सा रैंक आगे है। मान लीजिए ये है 1 3 5 7, ये 2, देखिए 120 है, पॉइंट्स कितने मार्क्स, ऐसे वहां टाई टूटती है। तो आप यहां पर टाई कैसे, एज से और ग्रेजुएशन के मार्क्स से, लेकिन ग्रेजुएशन के मार्क्स से नहीं टूट रही, ये जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं बता रहा हूं। अब यहां पर 9 केस हैं आपके पास। पहला है 27 जुलाई 1992 है ना, ये हो गया 93 में, ये मई में आए हैं, ये अगस्त में आए हैं, डिफरेंस आ गया। ये अक्टूबर में 93 में आए हैं, ये डिफरेंस हो गया। ये 93 में नवंबर में आए हैं, डिफरेंस हो गया। ये 94 में आए हैं, ये डिफरेंस हो गया। ये मई 94 में आए हैं, ये डिफरेंस हो गया। ये जुलाई 94 में आए हैं, ये डिफरेंस हो गया। ये नवंबर 94 में, ये तो नहीं है डे तक मैच कर जाएगा, अगर करता है तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड हो गए, अदरवाइज मतलब के आपकी ग्रेजुएशन की भी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है और मेरिट में कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज वाई उसको 55 के बाद आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन किस बात की लेनी है, ये मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ यही बताना चाहता हूं। अब टाई टूटनी है इसके, इससे, इससे नहीं, एज से टूटनी है, है ना, एज को आप चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। तो उसमें फोकस करने पर क्या हमारे पास बचता है, सिर्फ ये कि बीएड में देखिए देखिए यहां कितनी डिस्कशन कर ली है, बीएड का ठेंगा, कोई भी स्कोर कहीं भी ऐड नहीं हो रहा। कारण ये है शायद, क्योंकि वर्मा कमेटी ने भी कहा था 2013 में जो थी, कि फेक डिग्री हैं जब बिना अटेंडेंस के बिना दी जा रही है, 10,000 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे, तो बीएड के मार्क्स की कहीं भी वेटेज ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब एडमिशन हो रही है, लालच यही दिया जाएगा कि हम इंटरनल असेसमेंट ज़्यादा लगा देंगे, हम आपको ऐसे पास करा देंगे, हम एक्सटर्नल ऐसे कर देंगे। एक वीडियो निकालता हूँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल मार्क्स थ्योरी मार्क्स ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, साथ में इसके निकाल देता हूँ, उसको ज़रूर देख लेना कि सच वो सिर्फ धोखा है, लालच है, कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी बीएड की वेटेज आई है, इतनी एडवर्टाइज मैंने पढ़ ली है, कहीं भी बीएड की वेटेज दिखाई नहीं दी मुझे। ग्रेजुएशन की भी दिखाई दे रही है, लेकिन एंट्री के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट की 3 ईयर की है, तो वो अब चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जो केस हैं वो इंप्रूव कर लेंगे, बाकी को ज़रूरत नहीं है। बाकी केसेस को 90% मेरे ख्याल में उन्होंने इलेक्टिव पढ़ा है, जहाँ 55% है, जिनके नहीं है वो इम्प्रूव करेंगे, वो तो संघर्ष करेंगे, मिनिमम के लिए जाना ही पड़ेगा। अब करना क्या है यार, मैं इतना ये बोल क्यों रहा हूँ, आपके हाथ में क्या है, नंबर एक टीईटी आपके हाथ में है, इसमें आप मैक्सिमम गेन करोगे तभी फायदा है। ये मत सोचो कि आपका पास हो गया है, जो पास होके बैठ गए हैं ना, मेरे साथ मैंने जब यूजीसी नेट दिया था तो मैं काफ़ी बार फेल हुआ हूँ, तो जो मेरे साथ वाले पास होके बैठ गए, तो वो बैठे रहने का शायद नुकसान हो गया, मैं हारने का मुझे फायदा हो गया। तो अगर वो जो पास बैठे हैं वो भी सेटिस्फाई होके ना बैठे, अगर जो 90 जनरल कैटेगरी के या 82 रिजर्व कैटेगरी के लेके बैठे हैं, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं कर ली। अगर आप युद्ध लड़ना है तो वो दोबारा आपको टेट देना चाहिए, दोबारा इंप्रूव करना चाहिए, ये अलग बात है।
कि आप दोबारा फीस भर रहे हो और कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार आसान आता है, पेपर आपके गेन हो जाते हैं, तो वो फायदा आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपके 5 टेट पास कर लिए हैं तो जो बेस्ट वाला है वो आप सबमिट करवाओगे जॉब के वक्त, तो आपकी मेरिट में जो है फायदा होगा उसको। अब सबसे ज्यादा क्या है कि शायद टेट हो ना हो, साथ में पिछली एडवर्टाइज दिखा दिया कि यहाँ टेट को वेटेज दी गई है, तो ये गवर्नमेंट भी दे सकती है। अगर टेट ये 50-50 है ना, तो मेरे ख्याल में इस पर जोर लगा देना चाहिए। आप 90 पर मत बैठो, 120 तो लेके चलो कि मैंने लेने हैं। तो दूसरा जो बचता है हर हालत में दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। तो इनमें क्या है आपके हाथ में, एक टेट और एक सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट भी अब ये मत सोचो कि मैंने पास होना है, क्वालिफाई करना है। ये देखिए एसएसटी की मेरिट पिछले टॉप के जो मार्क्स हैं वो 145 गई है। मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा जो पिछली मेरिट के टॉपर जो हैं, हो सकता है उनकी इंटरव्यू भी लेके उनके स्ट्रेटेजी जो सारा एनालिसिस रिफ्लेक्टिव एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो जोर आपने बीएड, ये मैंने टाइटल क्या रखा था कि मैं यहाँ तक आपने कैसे करना है फ्रॉम बीएड टू गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए सिंपल नुक्ता ये है कि आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो ठीक है, इतने ले लिए हैं, अदरवाइज आप टेट पर जोर देना शुरू कर दीजिए। मैं रेगुलर कोशिश करूँगा, एक वीडियो रोज़ की टेट पर निकालूंगा, दूसरा है बाकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, जितना कवर कर सकता हूँ मैक्सिमम कवर करूँगा। लेकिन आप सेल्फ स्टडी भी करनी है, कैसे स्टडी करनी है उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। सिलेक्शन टेस्ट की एसएसटी की तो पक्का तैयारी करूँगा, बाकियों की कैसी तैयारी करनी है गाइड ज़रूर करूँगा, तो वो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए वो टाइटल दिया गया है कि बीएड से गवर्नमेंट जॉब की तरफ। जो सोए हुए हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता। कहते परमात्मा जो है ना, सुबह 2-3-4 बजे जो है, ये मुझे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद, जो सुबह का जैसे अमृत वेला बोला जाता है ना, जो जिसे ब्रह्म मुहूर्त है हिंदुइज्म में बोला जाता है, तो बेस्ट टाइम है वो, जब उस वक्त आप सोए हुए हो, दुनिया वर्ल्ड की कॉस्मिक एनर्जी, बेस्ट एनर्जी आपके पास होती है। अगर आप उठ के बैठ के उसका थैंक्स करते हो तो बहुत गेन कर सकते हो। ऐसे ही बीएड में अगर अभी से जाग जाओगे, उठ के बैठ जाओगे स्टडी के लिए, तो गेन कर लोगे, है ना। तो वहां भी लॉस है, जो सोते हैं वो खोते हैं, वो जो जागत हैं वो पावत हैं, कुछ ऐसे कहते हैं, है ना। तो जागना पड़ेगा किसके लिए, टेट के लिए। पहले सारा जोर यहाँ पर लगा दो, साथ साथ में एलिजिबिलिटी बनाते हुए सिलेक्शन टेस्ट के लिए लगा दो। मैं वो बात बता रहा था, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ब्रेन से जो अमृत वेला जिसको बोला जाता है, जो 2 बजे से शुरू हो जाता है, 3 बजे से शुरू, 2-3 बजे से शुरू हो के 7 बजे से चलता है, और पीक टाइम 4 o'clock होता है, उस वक्त हमारे ब्रेन में से भी, ये साइंस बोल रही है, स्पिरिचुअलिज्म तो समझाना ही, मैं समझा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं समझा सकता, इशारे कर सकते हैं सभी। तो 19 केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं जिनका फ़ायदा आपकी बॉडी को, माइंड को, सोल को होता है। तो ऐसे ही मैं तो कहूँगा कि वो उस वक्त को जाया मत कीजिए, ऐसे ही कहूँगा कि इस वक्त को जाया मत कीजिए। और TET और सिलेक्शन टेस्ट, बीएड में लालच, इंटरनल असेसमेंट वगैरह वगैरह को भूल जाइए। एक लास्ट चीज़, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में आप मेरा लंबा अगर हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है टेट में, जहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा, कि परफॉर्मेंस गोल, ये रहा परफॉर्मेंस, है ना, गोल है। दूसरा है मास्टरी गोल। अब ये गोल यहाँ लिख दिया, गोल जो अचीव करना है ना, ये और ये, इसमें डिफरेंस पता क्या है। इस साल CTET में ये क्वेश्चन भी आया है, परफॉर्मेंस का मतलब है आप मार्क्स कितने लेने चाहते हो, ये इस ऐसे समझ लो, वेरी इजी, मार्क्स कितने लेना चाहते, आप सेट कर लिए मैंने बीएड में ना 80%। आप देखो यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो ऐसे मार्क्स बांट रही है, तो नुकसान है आपका, आपको लग रहा है आप बल्ले बल्ले है, आप पता नहीं क्या आप बन गए हो। दूसरा पर्सन है जो लर्न कर रहा है, जो कंसेप्ट लर्न कर रहा है, थ्योरीज लर्न कर रहा है, जो है डिफरेंसेस कंसेप्ट के समझ रहा है, डीप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है,
तो ये इनकी लर्निंग ज़्यादा है, ज़िंदगी में लर्निंग काम आनी है कि मार्क्स काम आने हैं? मैं कह रहा हूँ मार्क्स सिर्फ एंट्री के लिए, कुछ पॉइंट के लिए काम आएंगे, उसके बाद कभी भी नहीं आएंगे। दैट इज़ वाई लर्निंग पर जोर दो। अगर आप बीएड पढ़ रहे हो, अब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हम टॉपिक भी आपके पढ़ेंगे साथ साथ में, तो उसको समझ के पढ़ना है। बीएड में जो एग्ज़ाम दोगे वो बिल्कुल, आप देखोगे कैसे चेक होते हैं एग्जाम पेपर, बस लिखा हुआ होना चाहिए, थोड़े से पॉइंट होने चाहिए, 80% मार्क्स ऐसे दे दिए जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू को तो सॉल्व करने के लिए चार में से एक बेस्ट आंसर को चूज करना है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर मार्क्स मत जोर दीजिए ना दीजिए, मुझे लेना, मैं ये नहीं कहूँगा मार्क्स पर जोर मत दीजिए, मैं ये कहूँगा लर्निंग को मत छोड़िए, लर्निंग को मत छोड़िए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके कैसे हेल्प कर सकता हूँ, जो भी कंसेप्ट अगर थोड़े थोड़े पढ़ते हैं, मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन भी बताऊंगा। आप क्वेश्चन पूछो, सर ये क्या है, इसके इस कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में डिफरेंस बताओ। आप क्वेश्चन पूछो सिर्फ, वो बाकी काम मेरा भी नहीं है, करने वाला वो है, मैं नहीं करता। तो हम कोशिश करेंगे, है ना, हम कोशिश करेंगे। तो ये हो गया, अब कंक्लूजन क्या है, बीएड करनी है, मार्क्स करने हैं, लेने हैं नहीं लेने हैं, पर लर्निंग ज़रूर करनी है। दूसरा, टेट पर जोर देना है मैक्सिमम मार्क्स के लिए, ये कंक्लूजन है। 120 नहीं, 30 का भी सोच सकते हो, 40 का भी सोच सकते हो, 50 का भी सोच सकते हो, 50 का नहीं, गप्पे नहीं लगाऊंगा कि ऐसे नहीं, मैं मतलब मुझे हो सकता है कोई करवाता हो, ऐसे नहीं मैं कहूँगा आप अगर ऐसे कर दोगे तो आपके 3 दिनों में, मतलब 10 दिनों में 120 मार्क्स पक्के, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। जो आप मेहनत करोगे, इनपुट होगी, उससे होगा, ऐसे मेरे करने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन टेस्ट पर तो जी जान लगानी है, तो ये बचता है हमारे लिए। दैट इज़ वाई इस ऐसे करके हम पहुंच सकते हैं कहां तक, जॉब तक। लेकिन जॉब ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी के लिए थैंक यू करना सीखो, उस एनर्जी का। थैंक यू।